हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि कैसे लैन शिचैन से वांग जी के वापस ना आने की बात सुनकर लैन किरण परेशान हो जाते हैं और लैन शिचैन से उन्हें वांग जी से मिलने ले चलने को कहते हैं। गाइस, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वहीं ब्यूरियल माउंट्स में वांग जी और विंग के कमरे में सूरज की तेज किरणें रोशनी फैला रही थी, लेकिन विंग तो ऐसे सोया हुआ था मानो वो कई महीनों से ना सोया हो। और उसका लंजा के साथ जल्दी उठने का जो रेजोल्यूशन उसने बनाया था, लंजा के ब्यूरियल माउंट्स में एक दिन पूरा होने के साथ ही ख़त्म हो जाता है। हालांकि लंजा अपने रोज के समय पर उठकर अपने सारे काम निपटाकर मेडिटेशन भी कर लेता है, लेकिन विंग तो टस से मस तक नहीं हुआ था कि तभी लंजा विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है, उसे नहलाता है और वापस लाकर उसे तैयार करके फिर से बेड पर सुला देता है। इस पर भी विंग की नींद नहीं खुलती, लेकिन जब विंग की नींद खुलती है, वो उठता है तो उसे लगता है कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में उठा है, क्योंकि वो ऑलरेडी नहाया हुआ था, वो बहुत अच्छे से तैयार था और उसके बालों में एक प्यारी सी पोनी टेल भी बनी हुई थी। वो उठ के बाहर आता है जहाँ लंजा शाओ शिनचैन से किसी सीरियस मैटर पे बात करता हुआ सा लग रहा था। सोंगलांग वेनिंग से बातें कर रहा था। हालांकि वेनिंग नॉर्मली उसे शब्द नहीं मिलते थे किसी से बात करने के लिए, लेकिन आज वो नॉनस्टॉप रुके हुए बात किए जा रहा था। वही वेनचिंग छुपकर अपने भाई को इतना खुश देखकर हंस रही थी और एज यूजुअल आईयुआन कहीं नहीं दिख रहा था। तभी वेनचिंग बीइंग से कहती है, अच्छा तो तुम उठ गए, अब तुम जाओ और फौरन नाश्ता कर लो, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। विंग हैरानी से भौहें सिकोड़ता हुआ कहता है कि मेहमान कौन? उस पे वेंचिंग कहती है, वो बहुत सारे हैं और जब वो आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अब जाके नाश्ता करो। ये कह के वेंचिंग किचन की तरफ चली जाती है। विंग फौरन लंजा के पास जाकर बैठता है और वो ऐसे लंजा से चिपक के बैठता है कि एक हवा का झोंका भी उनके बीच से ना गुजर सके, और वो बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं कि अचानक लंजा विंग को किस कर लेता है, जिसे देख के शाओ शिनचैन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपना मुंह बंद कर लो शिनचैन, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी, विंग हंसते हुए कहता है। शिनचैन खुद को फौरन संभालता है। फिर विंग पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, और अपने मुंह में बहुत सारा खाना भर लेता है। विंग, हम जिन सेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, उनका व्यवहार जो वेंस के साथ है आजकल, वो सभी सेक्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वैसे भी जिन सेक्ट के जो पुराने लीडर हैं उनको गद्दी से उतारा जा चुका है और उनकी जगह उनके बेटे जिन जीशुआन ने ले ली है। पुराने सेक्ट लीडर प्रोस्टिट्यूशन के कारोबार और औरतों के साथ बदसलूकी करने के लिए दोषी पाए गए थे और उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। ये सब लंजा एक सांस में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके विंग को बताता है, जिसे सुनकर विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि उस घटिया आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो तो मेरी शीजे है जिसने उस जिन जीशुआन के दिमाग में थोड़ी सी अक्कल डाली हुई है। और ये कहते हुए वो फिर से बहुत सारा खाना अपने मुंह में भरकर खाने लगता है कि तभी एक आवाज़ जोर से उसके कानों से टकराती है, धीरे धीरे खाओ वे वुशियान। विंग मुड़ता है तो उसे एक आदमी सफ़ेद लिबास में दिखता है। ये वो स्ट्रिक्ट इंसान था जिसे विंग गहरे से गहरी अंधेरी जगह पे भी पहचान सकता था। वो और कोई नहीं लैन किरण थे, जिसके सख्त पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट रूल्स ने ऑलमोस्ट विंग का क्लाउड रिसीजेस में रहना नामुमकिन सा कर दिया था। उनको देखते ही विंग का खाना उसके गले में अटक जाता है, तो लंजा फौरन उठ के विंग को संभालता हुआ पानी देता है और अंकल को ग्रीट करने के लिए उठता है। वेलकम अंकल कह के बो करता है। उनके पीछे लैन शिचैन भी खड़े होते हैं जो उन दोनों को ही देख कर मुस्कुरा रहे थे। विंग भी खड़ा होता है और सोचता है कि वाह, क्या शुरुआत है दिन की। हालांकि वो उस इंसान को वेलकम नहीं करना चाहता था जिसे वो चाहता था कि उसी पल वो वहां से गायब हो जाए, लेकिन आखिरकार वो उसके लंजा के अंकल हैं। ये सोचकर आधे मन से उनको बो करके वेलकम कहता है। लैन किरण वहीं टेबल पे आकर बैठते हैं और कहते हैं, तो फिर कि तभी अचानक एक अजीब सी खामोशी और टेंशन का माहौल वहाँ बन जाता है। उस खामोशी को तोड़ते हुए लैन किरण कहते हैं कि तो फिर जो मैंने सुना क्या वो सच है?
इस पर लंजा और विंग शर्माने लगते हैं। वो इतना शर्मा रहे होते हैं कि मीलों दूर से कोई भी उनको देख के ये समझ सकता था। लैन किरान कहते हैं आह भरते हुए कि तो अच्छा ये सब सच है। अगर यही तुम्हारी इच्छा है वांग जी, तो मैं ये आशा करता हूँ कि तुम दोनों आगे साथ में खुश रहोगे। इसके बाद विंग जो देखता है उसने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। लैन किरान मुस्कुरा रहे थे और वो भी विंग को देखकर। लंजा और विंग दोनों अंकल को बो करते हैं और कहते हैं थैंक यू अंकल हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लैन किरान मुस्कुराते हुए कहते हैं। फिर सब मिलके खाते हैं पीते हैं और बाकी सेक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। तब तक सोंगलान भी उनको ज्वाइन कर लेता है। अब दोपहर हो चुकी थी तो लैन किरान वहीं रुकने का सोचते हैं। उनकी आने की खबर सुनकर वेंचिंग ने ऑलरेडी उनके लिए रहने की जगह तैयार कर दी थी, तो सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लंजा और विंग भी अपने कमरे में आ जाते हैं। विंग थोड़ा परेशान होता है तो उसे देख के लंजा भी परेशान हो जाता है और वो विंग को अपनी ओर खींच कर गोद में बिठा लेता है और उसे पीछे से गले लगा कर पूछता है क्या हुआ है विंग। विंग को लंजा का ऐसे करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसका मूड दोबारा ख़राब हो जाता है जब उसका ध्यान लंजा के सवाल पे जाता है। वो कहता है तुम्हारे अंकल बाहर कह रहे थे कि वो किसी का यहाँ आने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हमारी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ले सके। वो क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं और वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं लंजा? लंजा कहता है मुझे नहीं पता विंग, लेकिन वो हमें बता देंगे जब वो इंसान आ जाएगा जिसका अंकल इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे भी वो हमारे रिश्ते को मंजूरी दे चुके हैं और जहाँ तक मैं अंकल को जानता हूँ वो अपने शब्दों से नहीं पलटेंगे, तो तुम परेशान मत हो। इतना कह के दोनों एक दूसरे को ज़ोर से गले लगा लेते हैं। शाम हो चली थी। शाम के वक्त लंजा और विंग अपने बनीस के साथ खेल रहे होते हैं कि तभी अचानक वेंचिंग भागते हुए उनके पास आती है और हाँफते हुए खुद को संभालते हुए कहती है आप दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मास्टर क्रैन का आदेश है, क्योंकि वो जिनके आने का कह रहे थे वो कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे। लंजा और विंग फौरन खड़े होकर तैयार होने लगते हैं। या यूँ कहो कि वो बस अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हैं जिन पे वो बैठे होते हैं और फौरन ब्यूरियल माउंट्स के एंट्रेंस पे पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही सब लोग इकट्ठा हुए हुए थे। विंग फौरन टेलिस्मान्स को डीएक्टिवेट करता है जो उसने ब्यूरियल माउंट्स के एंट्रेंस पे लगाया हुआ था ताकि आने वाले मेहमानों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे कि विंग का नेचर है वो चुप तो रह ही नहीं सकता। वो वहाँ खड़े हर एक इंसान से जिससे भी हो सकता है वो पूछने लगता है कि कौन आने वाला है ताकि उसको कुछ पता चल सके। लेकिन अगर किसी को कुछ पता था तो वो थे लैन किरान। जब विंग अपने फ्लो में पूछते पूछते लैन किरान के पास जाके जस्ट पूछने ही वाला होता है कि लैन किरान एक टफ लुक विंग को देते हैं और वो चुपचाप मुंह बनाते हुए पीछे हो जाता है। थोड़ी देर इंतजार करने पर, जो कि विंग को पूरा एक घंटे जैसा महसूस हो रहा था, किसी के पैरों की आवाज उनके पास आती लगती है कि तभी सब एंट्रेंस के पास दोबारा इकट्ठा हो जाते हैं। विंग को आते हुए लोग कुछ सुनहरे कपड़ों में दिख रहे थे और वो अंदाजा ही लगा रहा था कि कौन हो सकते हैं कि तभी उसको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अपनी तरफ आता हुआ दिखा। वो स्माइल जो बहुत ही जेंटल और प्योर थी, वो स्माइल जिसे वो बहुत लंबे समय से मिस कर रहा था, वो उसकी शीजे थी जिसके पीछे उसका हस्बैंड जिन जीशुआन म्यानमिया और उसको सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाला उसका भाई जंगचा था। उसका पूरा परिवार यहाँ ब्यूरियल माउंट्स में उसके पास आया था। वो भागकर अपने शीजे के गले लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हैं। वो रोता ही जाता है कि तभी जिंशा भी उनको ज्वाइन कर लेता है। अब तीनों भाई बहन रोए चले जा रहे थे एक दूसरे को गले लगाकर। वो तब तक रोते हैं जब तक वो एक दूसरे के बिना बिताए समय को कॉम्पनसेट ना कर ले, फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। याली विंग का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर प्यार से कहती है आशियन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो विंग भी कहता है शीजे मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया और आपके हाथ के बने लोटस पॉट क्रीम सूप को भी। ओ भूखे शैतान, शीजे इतनी दूर तुमसे मिलने आई है और तुम्हें अगर कुछ याद रहा तो सिर्फ सूप। जिंशा इरिटेट होते हुए बोला ओह तुम भी यहाँ हो, मैं तो हैरानी हो गया। विंग सरप्राइज फेस बनाते हुए जिंशा से कहता है और वहाँ खड़े सभी लोग इस बात पे हंसने लगते हैं। जिंशा विंग को बहुत घूर के देखता है और फिर सबके साथ हंसने लगता है कि तभी जिन जिशुआन भी कहता है भाई मैं भी यहाँ हूँ।
मेरा मतलब क्लैन लीडर जिशुआन, तुम्हारा भी यहाँ ब्यूरियल माउंट्स में स्वागत है और आपके सभी साथियों का भी, विंग कहता है। और सब ब्यूरियल माउंट्स के अंदर आते हैं और बैठक पे एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाते हैं, जो इशारा था कि कुछ सीरियस डिस्कशन होने वाला है। तभी लैंड ग्रैंड कहते हैं कि जब अब हम यहाँ सब इकट्ठा हो ही गए हैं तो बात शुरू करनी चाहिए। तभी लैंड शिचैन बहुत विनम्रता से यानली से कहते हैं कि मिस यानली, क्या आप आज की मीटिंग के पीछे का कारण हमसे शेयर करना चाह सकती कर सकती हैं? तो वो हाँ में सर हिलाती है और आगे कहना शुरू करती है कि मैं यानली ना तो किसी सेक्ट लीडर की बीवी बनकर और ना ही किसी सेक्ट लीडर की बहन बनकर यहाँ आई हूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने आशिन की बहन बनकर आई हूँ, उसका परिवार बनकर, और मैं यहाँ उपस्थित सभी के साथ मिलकर अपने भाई की ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना चाहती हूँ। तभी यानली अपनी एक मेड को कुछ लाने का इशारा करती है और जब थोड़ी देर में वो मेड आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जो गोल्ड का बना था। विंग सोचता है कि ये जिन सेट के लोग इतना दिखावा क्यों करते हैं। यानली वो बॉक्स टेबल पर रख देती है तो सबकी नज़रें उस बॉक्स पे होती है और सब सोचते हैं कि इस बॉक्स में क्या है और ये कैसे इन दोनों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तभी यानली जिनशा को बॉक्स ओपन करने को कहती है। बॉक्स के खुलते ही विंग का मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो अपनी जगह से एक्साइटेड होते हुए बॉक्स लेने के लिए उछल पड़ता है। अगर ये अभी क्लाउड रिसेसिस होता तो विंग को इस हरकत पर पनिशमेंट मिल चुकी होती, लेकिन यहाँ लैंड कुरैन सिर्फ उसे एक तीखी नज़रों से घूर रहे होते हैं, जिसे विंग पूरी तरह से इग्नोर करके बॉक्स उठा लेता है और लंजा को दिखाने लगता है। देखो लंजा, इन दोनों रिंग्स पे हमारा नाम लिखा हुआ है, कितना सुंदर है ना। ये दिखाते हुए विंग अपनी नाम वाली रिंग लंजा को पहना देता है और लंजा के नाम वाली रिंग खुद पहन लेता है और दोनों के हाथों को मिलाकर देखने लगता है और खुश होकर कहता है, ओ ये रिंग्स कितने क्यूट लग रहे हैं, तुम और मैं और तुम। लंजा विंग की इस इनोसेंट हरकत पर मुस्कुरा देता है। चाहे तुमने डिमोनिक कल्टिवेशन में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन तुम बिल्कुल इडियट हो। तुम में तो दिमाग ही नहीं है कि रिंग ऐसे नहीं पहनाते, इसके लिए सही तरीके से रिंग सेरेमनी होती है, जिंशा चढ़ते हुए कहता है। कि तभी यानली कहती है, आचिंग गुस्सा मत करो, हमारा आशन सबसे अलग है, वो अपने रूल्स खुद बनाता है और अपनी राह भी खुद चुनता है, यही उसे सबसे अलग बनाती है और हम उसको अपने हिसाब से नहीं बदल सकते। तुम माहौल ख़राब मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। और वो जिन जिशुआन की तरफ देख के उन्हें कुछ कहने का इशारा करती है। जिन जिशुआन कुछ कहने के लिए उठता है और अपने गले को थोड़ा साफ करता है कि विंग तभी कहता है, क्या तुम्हारा गला खराब है? हमारी वेंजिंग बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हें फौरन ठीक कर देगी। और कहते हुए वो अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करता है, जिसे देख जिन जिशुआन चिढ़ जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ आकर कर क्या रहा हूँ। ये सब इग्नोर करके जिशुआन कहता है कि मैं जिन क्लैन का सेक लीडर, इन दोनों नए एंगेज्ड कपल को पूरे जिन क्लैन की तरफ से एक महल तोहफे में देना चाहता हूँ और हमारी फैमिली ये चाहती है कि इनकी शादी अगले 2 महीने में कर दी जाए, जो कि सब कुछ जिन क्लैन के महल में होगा। लंजा तुमने सुना, हमारी शादी होने वाली है। लंजा इस पर हाँ में सर हिलाता है, लेकिन विंग अपनी एक्साइटमेंट संभाल ही नहीं पा रहा था कि सभी लोग सब मिलकर बाद में उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। फाइनली तुमने कोई अच्छी खबर सुनाई है पिकॉक, विंग जिन जिशुआन को टीस करने से खुद को रोक ही नहीं पाया, जिसे सुनकर जिन जिशुआन सच में चिढ़ जाता है कि यानली उसे तभी रोक लेती है और कहती है कि आशन मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है कि अगले महीने एक छोटी यानली या एक छोटा जिशुआन भी इस दुनिया में आ जाएगा, तो उसके नामकरण पे तुम अपने होने वाले हस्बैंड और अपने सभी लोगों को लेके वहाँ ज़रूर आना। ये सुनकर विंग बहुत खुश होता है और शिजे को गले लगा लेता है। फिर सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद लैंड शिचैन जिन जिशुआन से मिलने आता है, वहाँ यानली भी होती है। तो शिनचैन कहता है, माफ़ कीजिएगा इस समय आने के लिए, लेकिन क्लैन लीडर जिन, आप कह रहे थे कि आपको किसी ज़रूरी विषय में बात करनी है। मैं जानता हूँ कि उस समय आप खुशी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर इशू बड़ा है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। उस पर जिन जिशुआन कहता है, क्लैन लीडर लैन, इसी के लिए मैंने क्लैन लीडर नेम इंजू को कुछ पता करने के लिए भेजा है और वो किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे।
हम उनके आने पे ही आगे का मैटर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप न्यूली एंगेज्ड कपल लिंजा और विंग को इन सबसे बाहर रखें। ये बात हम क्लैन लीडर्स और मास्टर सोंगलांग एंड शिनचैन के बीच में ही डिस्कस होगा। ठीक है, मैं नी मिनजू के आने पर उनको सीधे मीटिंग के लिए ले आऊँगा। मैं अब जाने की इजाज़त चाहता हूँ। ये कहते हुए शिनचैन क्लैन लीडर जिन जीशुआन और लेडी यानली को बो करके वहाँ से चले जाते हैं। जीशुआन यानली को भी मीटिंग में आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो अपना बाकी का वक्त आशिन के साथ बिताना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद मिले थे। तो गाइज, यही मैं आज के वीडियो एक्सप्लेनेशन को पूरा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द अपने अगले वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।